सबसे ज्यादा रेप सीन कर शक्ति कपूर बने थे विलेन। इस एक फिल्म को देखकर सेंसर बोर्ड भी रह गया था हैरान। 70 और 80 के दशक में ऐसी हजारों फिल्में बनी हैं जिनमें लड़की के साथ छेड़छाड़ या रेप करना फिल्म के हिट होने के लिए जरूरी होता था। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर शक्ति कपूर हिंदी फिल्मों में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले विलेन हैं। इससे ज्यादा अगर कुछ पसंद किया गया तो वो था शक्ति कपूर द्वारा फिल्माया गया रेप सीन। शक्ति कपूर ने अपने फिल्मी करियर में 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और उन फिल्मों में लगभग 80 से ज्यादा फिल्मों में रेप सीन किए हैं। आइए बात करते हैं उन्हीं में से कुछ चुनिंदा सीन्स पर। अंगारे, साल 1986 में आई फिल्म अंगारे में शमिता पाटिल का रेप करने की कोशिश करते शक्ति कपूर ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। फिल्म में शमिता पाटिल के साथ राज बब्बर भी लीड रोल में थे। गुमसुम दयानंद के निर्देशन में बनी साल 1982 में आई फिल्म गुमसुम में भी शक्ति कपूर का रेप सीन फेमस रहा। इसके अलावा शक्ति ने फिल्म मेरे आगोश में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल सीन दिया था, जहां शक्ति ने टॉपलेस एक ड्रेस के साथ सेक्स वाला सीन किया था। सेंसर बोर्ड ने कई महीनों तक फिल्म को पास नहीं किया था। गुंडा 1998 में ऐसी फिल्म रिलीज हुई थी जिसने इंसान की सोचने समझने की क्षमता को एक नया आयाम दिया। फिल्म थी गुंडा और हीरो थे मिथुन चक्रवर्ती। फिल्म में एक से एक धुरंधर कलाकार मौजूद थे, उन्हीं में से एक थे शक्ति कपूर। इस फिल्म में भी रेप सीन फिल्माया गया था। मेरा फैसला, मेरा फैसला फिल्म 1984 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में जया प्रदा के साथ संजय दत्त मुख्य किरदार में थे। फिल्म के एक सीन में जया प्रदा के साथ शक्ति कपूर ने जबरदस्ती करने की कोशिश की थी।